हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ वर्चुअल स्पेस। आज हम लोग BHU का ये नर्सरी को टूर करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स मिलते होते हैं और ये काफ़ी चीप रेट पे मिलते हैं। अगर आप वाराणसी में हो या फिर BHU में हो और अपने घर जा रहे हो तो यहाँ से ये प्लांट्स ले सकते हो आप। तो चल के देखते हैं कैसा है। पहले ये बता दूँ, ये VT के पास में है, पास में ही विश्वनाथ टेम्पल है। यहाँ से दिख नहीं रहा बट पास में ही है। और इसके अब अंदर चल के स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या क्या है। फाइन, चलो। यहाँ पे ये पिंटू भैया बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पे गार्ड है। हाँ पिंटू भैया। और फिर यहाँ पे हेलो दिनेश भैया। और यहाँ पे पॉली हाउस है, 2-3-4 पॉली हाउसेस हैं यहाँ पे। ये भैया यहाँ पे एक माली हैं जो कि पेड़ पौधा को देखते होते हैं। हेलो भैया, अपना नाम बता दो। मेरा नाम सर दिनेश कुमार माली है। दिनेश कुमार माली हैं, ठीक है। आप कहाँ से हो? जखनी से हैं। जखनी से हैं, हैं। अच्छा, और यहाँ पे लोग, बाहर के लोग अगर चाहेंगे यहाँ पे पेड़ पौधा लेना तो ले सकते हैं। काफ़ी कम दाम पे है। काफ़ी कम दाम में है। हाँ हाँ। और ये यूनिवर्सिटी की तरफ से मेंटेन्ड है ये पूरा गार्डन, है ना। चलिए दिखा दीजिए पहला फार्म हाउस। किधर से चले हम लोग? पहला हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये क्या है इसका नाम? बोगनवेलिया। ओके। ये पूरी तीन चार बोगनवेलिया। अच्छा, फूल वाले हैं। ओके, तीन चार वैरायटी है इसका। ये बिक्री भी होती है और BHU के मतलब लगाने के लिए BHU में। अच्छा, जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी में जो फूल वगैरह सजता होता है वो यहीं से जाता है? यहीं से जाता है। अच्छा, और इधर में है मिली। ये मिली है, ये भी फूल के हैं, ये भी अच्छा। मतलब बिक्री में भी रहता है। हाँ हाँ। और ये BHU के भी मतलब लगाने। अच्छा, और ये क्या है, ये जो कटा कटा सा है? लगा था कनेर है। कनेर का? हाँ, कनेर का है। अच्छा, जो मतलब रोड वगैरह के साइड में लगता होता है, जो पेड़ पीला पीला होता है, वो है? वही है। अच्छा, वही है। इसका जो बीज होता है वो जहरीला भी होता है, है ना। अच्छा, ये हो गया। तो आप देख सकते हो ये सारा पेड़ है। ये क्या है, छोटा छोटा? कड़ी पत्ता, जिसको हम लोग। अच्छा, कड़ी पत्ता है जी, तो साउथ इंडिया में बहुत फेमस है सब खाने के लिए। हर खाना पीना में वो डालते होते हैं। तो देख लो यार, ये कड़ी पत्ता है, छोटा छोटा है अभी ये। फिर अच्छा, ओके। मुझे भी थोड़ा प्लांट्स में इंटरेस्ट है तो थोड़ा थोड़ा पता है, उतना अच्छा से तो नहीं पता, बट हाँ आज मैं बहुत कुछ जान जाऊंगा आपके साथ चल के। अब हम दूसरे पॉली हाउस में जा रहे हैं, यहाँ से देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ओके, यहाँ पे कुछ लोग पेड़ पौधा घूमने भी आए हैं, प्लांट लवर्स। अच्छा, ओके भैया बता दो अभी ये सब क्या क्या है। ये तो रोज दिख रहा है हमें। हाँ, ये तो गुलाब है, देसी वाला जो सुगंधित होता है। अच्छा, ये क्या होता है, मतलब देसी और मतलब क्या, मतलब तो अलग अलग टाइप का होता है? अलग अलग होते हैं, लेकिन ये देसी है अभी। अच्छा जी। और ये क्या है? ये गुलजायक का है, ये भी फूल का है। अच्छा, गुलजायक है। ये सब फूल आता कब है, कब आएगा? हमारा है उधर कली लिया है। अच्छा, खिलेगा अभी सुबह से, खिलेगा तो सफेद रहता है, दोपहर बाद में ये गुलाबी कलर हो जाता है। अच्छा, वो क्या है, वो फर्न जैसा लग रहा है, लोग शादी वगैरह में ऐसे सजाते होते हैं? है नहीं, लेकिन उसी की वैरायटी है फर्न। अच्छा, हाँ। ये क्या है? फर्न में भी अभी बता सकते हैं, चलेगा। ओके ओके, फाइन फाइन। और एक क्रोटन है, ये क्रोटन वैरायटी के हैं। अच्छा, सजावट में आता है ये भी। ओके, ये सारे BHU के फैकल्टीज वगैरह में जाएंगे ना, जाएंगे, लोग खरीद भी सकते हैं यहाँ से। खरीद भी सकते हैं आप। इसका कॉस्ट कितना होता होगा ये पेड़ पौधा का? 20 रुपये। 20 रुपये जी। अच्छा, ये और रुखमंजरी है, फूल के हैं गुच्छे में। रुखमंजरी, ओके। और ये छोटी सावनी है। छोटी सावनी, हाँ, ये फूलता है सफेद रंग का, ये वाला। हाँ। अच्छा, और वो तो सफेद चांदनी है, मीडियम वाली है। ओके, और ये क्या? एक लीफा है। एक लीफा, ये भी मतलब लगा के हम लोग डिजाइन उजाइन सो प्लांट। अच्छा, सो प्लांट के लिए एक लीफा सो प्लांट यूज करते हैं। हाँ। अच्छा, और इधर पे हम लोग एनर्मी, क्लोरोडान एनर्मी लगाए। कौन कौन कौन? ये क्लोरोडान एनर्मी है, गार्डन के हम लोग किनारे किनारे बाउंड्री की जो बाड़ बनाते हैं कटिंग करके। अच्छा अच्छा, नहीं लाइन्स दीवार, जी जी, हाँ हाँ, ये उसका है। हाँ हाँ। और कामनी तो था, कामनी तो लग गई रोड पे, जी जी। और ये भी एक लिफाई का है कटिंग। अच्छा, ये आपका सालविया है, परमानेंटली सालविया है। ये नाम क्या बोले? सालविया है ये। सालविया, वो चमेली। अच्छा। है आगे। अच्छा, ये चमेली का, चमेली पौधा है ये।
ये रात रानी टाइप नहीं लग रहा? अच्छा ये वाला, अच्छा हाँ ये काफी अच्छा स्मेल कर रहा है ये, मैं सूंघ के देखा, काफी अच्छा स्मेल कर रहा है ये। चलिए आगे देखते हैं। अरे वाह कितना मस्त एकदम सिटी बजा रहे हैं आप, अरे बहुत मस्त है। चलिए अड़हुल का पेड़, अड़हुल का पेड़ वो रहा ना, ये कौन सा अड़हुल है, किस रंग का है? लाल वाला है। लाल वाला है, अच्छा। एक तो इधर है और जाली वाला है, जो फूल तो रहेंगे मतलब जालीदार रहेंगे। ये भी अड़हुल लग रहा है शायद पत्ते से। ये क्या है? रेलिया है। रेलिया उधर वो पनसेटिया है। अच्छा पनसेटिया शुरू हो जाता है पनसेटिया खिलना। अच्छा अच्छा और आगे चल के देखते हैं क्या है। खत्म हो गया अभी, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अच्छा ये क्या है? थोड़ा बड़ा पौधा होता है, गुलचीन है। गुलचीन, अच्छा ये उजला उजला रंग का पौधा होता है, है ना? अभी को खाना लेके आ रहे हैं। नहीं खाना है, क्या है भैया? ये पाकर का पेड़। हम लोग जैसे पाकर पीपल लगाते हैं ना जी जी, हाँ के लिए। हाँ ये वही पौधा है। अच्छा पाकर का, इसका पेड़ भी काफी बड़ा और मजबूत होता है। मजबूत होता है, अच्छा भी करता है और हम लोग को ऑक्सीजन देता है जीवित के लिए। और ये रहा सिंगोनियम, ये सो प्लांट है। सो प्लांट है, अच्छा। गमले में हम आप लगाते हैं। और ये क्या है? ये हिमेलिया है। ये मेलिया, हिमेलिया, हिमेलिया, अच्छा अच्छा हिमेलिया। ये सो प्लांट का ड्राइसिना है। आज मैं भी बहुत आधे से ज्यादा प्लांट सीख लूंगा मैं आज ये वीडियो बनाते हुए। सो प्लांट है, अच्छा जी। और उधर नीचे पहले में गुलदावदी लगी है अभी। ये गुलदावदी, अच्छा अच्छा। ये रहा गुलदावदी का पेड़। और ये बड़ी चांदनी है, ये सफेद रंग खिलता है, ये बड़ी चांदनी है। अच्छा जी, इधर पे एक कामनी है। कामनी, कामनी, अच्छा। इसका भी हेज लगता है, हम लोग डिजाइन बना सकते हैं काट पीट करके। अच्छा अच्छा हाँ। और कोलियस, कोलियस उधर है, दो तीन प्रकार कोलियस। हाँ अच्छा अंकल, उसका नाम क्या है जो वो रंग का है, ब्लू ब्लू रंग का? हाँ हाँ, नाम अभी भूल चुके हैं भैया। अच्छा अभी याद नहीं आएगा। ये खूब मस्त, अच्छा हाँ ये खूब मस्त लगता है देखने में। नाम क्या पूछिए, याद है? भूल गया भैया, याद है। अगर आपको ये नाम पता होगा तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा कि ये क्या है, बट मुझे तो ये वाला पेड़ बहुत अच्छा लगता है। और इधर कोलियस है, कोलियस ये वाला, ये क्या सजाने के लिए होता है? सजाने वाला है ये। अच्छा इसमें फूल नहीं आएगा, बस ये ऐसा ही और बस ही सजाना है ना? अच्छा ये हमारे साइड में इसको ना जट्टा वाला फूल बोलते हैं, ये क्या है? नहीं वो अलग होता है। अच्छा जट्टा वाला अलग होता है, ये अलग है? ये अलग है। अच्छा अच्छा, ये गुलाब रिकॉर्ड करेंगे, इनसे गवाएंगे भी आज। अंकल आज आपको गाना भी पड़ेगा। गाए थे। अच्छा कहाँ गाए थे आप? मोदी जब आए थे। अच्छा अच्छा, ये तो मोदी जी का अपना ही जगह है। हाँ। आए थे स्वतंत्रता भवन में, उनका प्रोग्राम था। अच्छा गाए हुए, क्या गाना गाए थे थोड़ा इधर भी गा के सुना दीजिए। अच्छा सब गाए थे देश के। और ओके तो अब हम लोग दूसरे पॉली हाउस में जा रहे हैं। अंकल ये वाला पॉली हाउस क्या है, किस चीज़ के लिए है? ये वाला पॉली हाउस है पौधे के लिए ही है। अच्छा तो आज मैं आज दिनेश अंकल और पिंटू भैया साथ साथ में हैं, दिखा रहे हैं कि आज BHU का जो ये नर्सरी है इसमें कौन कौन सा प्लांट है। अभी तो हम लोग सिर्फ फूल का देखे हैं और इसके बाद देखेंगे बहुत सारा फल फूल का, अमरूद का है, आम का है, बहुत लोग यहाँ से ले जाते हैं खरीद करके। तो अब देखते हैं ये करोटन, बहुत सारे करोटन यहाँ पे लगे हुए हैं, सारे डेकोरेशन के लिए प्लांट्स आते हैं, ये सारे प्लांट्स डेकोरेशन के लिए हैं। ये क्या है? एक बड़ी वाली एक जोरा है। अच्छा एक जोरा है ये, एक जोरा फूल खिलता है गुलदस्ते की तरह। अच्छा इसका एक फूल भी आया हुआ है, इधर से मैं दिखाता हूँ। ये रहा इसका फूल, ठीक है। ये सब क्या है इधर? ये भी करोटन हो गया? गंधराज, अच्छा। तो ये रहा इधर का पेड़, ये सब अभी बड़ा बड़ा खिलता है, ये एक जोड़ा है ये। अच्छा
ये सीता अशोक है जिसमें सीता मैया बैठी थी वहाँ हरी कहाँ पे लंका में अच्छा ये उसी का जो रावण बंदी बना के ले गया था तो उसके नीचे सीता मैया बैठी थी। अच्छा, और ये बहुत सारे पेड़ का हिस्ट्री जानने में भी बहुत मजा आता है। चलिए देखते हैं, ये नींबू है बनारसी नींबू है और ये फाइकस है, सो प्लांट है हम लोग। अच्छा, ये रहा फाइकस सो प्लांट। अच्छा चलिए, अब अगले पॉली हाउस में हम लोग चलते हैं। अगले में चलिए सुना देंगे, अभी अपना कर लीजिए। हाँ, एक गाना भी भैया सुनाएंगे, लास्ट में गाना सुनेंगे ना, तो गाना सुनने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा। हिमेलिया तो हो गया है। हाँ हाँ, और ये है आपका, ये अड़ूस है, कौन आयुर्वेदिक चीज़ है, मतलब जड़ी बुखार उखार आने पे हम लोग इसको यूज करते हैं। अच्छा, अड़ूस पत्ते, हाँ, चार पांच पत्ते मिलाते हैं, कालमेघ मिलाते हैं, परजात का पत्ता डालते हैं, तुलसी की पत्ती डालते हैं, और इसका क्या बोलते हैं, अड़ूस हो गया, परजात हो गया, तुलसी की पत्ती हो गई, और कालमेघ हो गया, इस सब पत्ते को मिला करके गर्म करते हैं। गर्म करके इतना हम लोग उसको पीते हैं चाय की तरह इतना। अच्छा, हर किसाव भी रहेगा छोड़ देगा। अच्छा, और एक कमालिया, ये कमालिया वाइट पीता है। हाँ, एक कमालिया, ये एक और अंकल बैठे हुए यहाँ पे, ये माली है पुराना। सही, बहुत एकदम, ये सीनियर माली यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरे सीनियर मोस्ट, ये बाहुबली हैं, ये इस एरिया के बाहुबली है ये। इसको पेपर में छपवाएंगे, हम अपने वीडियो पे डालेंगे, अपने चैनल पे डालेंगे इसको, यूट्यूब चैनल पे, टीवी में, हाँ टीवी समझ लीजिए, मोबाइल समझ लीजिए, सोशल मीडिया पे दिखाइए, सोशल मीडिया पे। चलिए अंकल, अब टीवी का जमाना चला गया अंकल, अब सब कुछ मोबाइल पे आ गया हुआ है। अच्छा, ये लैला मजनू। हाँ, ऐसा इसका नाम क्यों है लैला मजनू? एक तरफ मतलब लैला है पीछे, अच्छा ऊपर मजनू है। अच्छा, तो ये रही लैला जी, और ये रहे मजनू है। अच्छा, हाँ ये है डिपिन बेचिया है, ये सो प्लांट है, मतलब ये ऑक्सीजन देता है हम लोगों को। अच्छा अच्छा जी, और सो प्लांट हो गए हैं ये। भैया लग नहीं रहा आपको मजनू ऊपर में है, नीचे में लैला? पौधे तो शनिवार का दिन है आज ये। इधर और भी कुछ प्लांट्स हैं, और ये है आपका टिकोमा। कौन सा? पीले रंग का फूल खिलता है, टिकोमा है ये। अच्छा, टिकोमा में खिलता है। हाँ, इधर ये है आपका लिली, लिली प्लांट खिलता है, इसमें स्टिक निकलेगा। अच्छा, ये क्या पूरा सीधा लंबा सा फूल जी? अच्छा, इधर हो गए भैया। चलिए अब फिर किसी दूसरे हाउस में चलते हैं। ये बोल रहे हैं कि सबसे लास्ट में गाना सुनाएंगे। हाँ, चलिए अब उधर चलते हैं हम लोग। ये आंवला का पेड़ है ना, इसमें लगा भी हुआ है ना, ये देखिए ये आंवला लगा हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो। आंवला, ये आंवला का पेड़ है, काफी लगा हुआ है। अब आगे चलते हैं, आगे आगे अंकल क्या क्या है, क्या क्या का पेड़ है आगे? अड़ूस का है, नींबू का है, मौसमी का है। नींबू, मौसमी, ये आम तो अभी गर्मी में रहेगा, आम अभी दिखेगा नहीं। आम का पेड़ है, इधर साइड में आंवला लगा हुआ है, अमरूद का है, अमरूद भैया होगा अभी, लेकिन फरा नहीं हुआ ना। अच्छा अच्छा, छोटा छोटा होगा। अच्छा, ये क्या है इधर पूरा? ये मौसमी और नींबू का बगीचा है। मौसमी, अच्छा मैं मौसमी का आज तक पेड़ नहीं देखा हूँ, देखता हूँ क्या है। ये वो फरा है मौसमी पर, ऊपर देखिए फरा है ना, कहाँ पे? नीचे का टूट गया है, ऊपर फरा हुआ है, देखिए वो देख वहाँ पर फरा हुआ है ऊपर, वहाँ देखिए। अच्छा, और कहीं आगे में नीचे नीचे में होगा क्या होगा सब आगे देखते हैं। वो मुझे वहाँ पे दिखा, एक मौसमी का पेड़, एक मौसमी लगा हुआ, ये रहा ये मौसमी। इसका मौसम कब से कब तक रहता है भैया मौसमी का? हाँ अंकल, मौसमी का मौसम कब से कब तक रहता है? अब इसका फलने का हाँ खत्म हो गया मौसमी का। अच्छा,
अब कब से शुरू होता है मौसमी? बारिश शुरू होता है तब से शुरू हो जाते हैं नींबू। अच्छा, बारिश से शुरू हुआ और अब बारिश खत्म तो मौसमी खत्म। अच्छा, ये मौसमी और नींबू का गार्डन है, ये पूरा बड़ा सा आप देख सकते हो। और इस साइड में वो रहा यहाँ का वन ऑफ द फेमस टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, इसको हम लोग वीटी वीटी भी बोलते होते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। ये गार्डन से दिख रहा है, चलो तो अब गार्डन पे फोकस करते हैं। इधर ये यहाँ पे एक लीची का पेड़ है, ये रहा लीची का पेड़। ये आम का पेड़ है, कुछ आम का बगीचा इधर, तो इधर तो अभी कुछ है नहीं, ये लीची का पेड़ है तो यहाँ पे तो कोई पॉइंट है नहीं देखने का। अब आगे चल के देखते हैं। ये रहा अमरूद का पेड़, गुआवा जिसको आप बोलते हो, अगर अमरूद आपको नहीं पता तो। ये गुआवा का है फार्मिंग प्लांटेशन, ये काफ़ी मुझे लग रहा है काफ़ी डेंस प्लांटेड है ये गुआवा। अच्छा बात कर लीजिए आराम से। तो अब हम लोग गार्डन के लास्ट जगह तक आ चुके हैं। यहाँ पे आपको आम का पेड़ मिलेगा और इधर मिल रहा है आपको अमरूद का पेड़। भैया अभी फ़ोन पे बिजी है। और उधर मुझे लग रहा है भैया हल्दी रोपा हुआ है क्या बीच में? हल्दी है। अच्छा, मुझे अपने खेत से याद आ रहा है क्योंकि हमारे घर साइड भी खेती होता है, मेरे भी घर पे, तो उससे लग रहा है कि हाँ वो हल्दी दिख रहा है। और ये जो वो है अमरूद का पेड़ है, काफ़ी नज़दीक नहीं रोपा हुआ है? नज़दीक तो है हाँ, लेकिन फलता है। अच्छा, ये अमरूद का है, अभी छोटा छोटा कुछ कुछ आ रखा है ना, ये अमरूद छोटे छोटे दिख रहे हैं यहाँ पे। सो ये अमरूद हो गया। उधर भी काम सब चल रहा है क्या गार्डन का पूरा? हाँ, उधर दूसरे माली है। अच्छा, आप उधर जाके पूछ लीजिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ, ऐसे करते हुए जाइए, हम अब अपनी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आपका यहीं तक है जगह? हमारा बस उधर रहता है। अच्छा, एक गाना सुना दीजिए लास्ट में चलने से पहले। सुने बहुत बढ़िया गाना लग गाते हैं ना? अच्छा, ये जो जा रहा है इधर उधर से सब बोल रहे हैं आप गाना मस्त गाते हो, थोड़ा गाना सुना दीजिए आप, फिर इस वीडियो को बंद करते हैं, ठीक ना? चलिए गाना सुना दीजिए। कौन सा सुनेंगे? जो भी आपको मन कर जाए। कौन कौन सा गाना? दो तीन गाना चॉइस बताइए। कोई भी गा लेते हैं, जो भी मिल जाता है सामने। अच्छा थैंक यू भैया। हाँ, जय हिंद। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा भैया के साथ गार्डन घूमने में, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं भी बहुत सारे नए नए फूल पौधे के बारे में जाना, अगर होगा तो मैं फिर यहाँ से कभी घर जाते रहूँगा तो मैं एक दो पेड़ यहाँ से खरीद के ले जाऊँगा, ठीक ना? ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू एवरीवन। अच्छा लगा होगा आपको ये गार्डन घूम करके। जय हिंद। तो फिर कभी और कहीं और किसी और चीज़ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। होप जो भी आपको लगा होगा, जैसा भी लगा होगा, कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये व्लॉगिंग कैसा लगा। मुझे तो यार पेड़ पौधा के बारे में तो पता नहीं, मतलब अच्छा लगता है। मे बी सिंस आई एम फ्रॉम फार्मिंग बैकग्राउंड, तो मुझे पेड़ पौधा के बारे में बचपन से बहुत कुछ पता है पहले से, और मैं बहुत ही ज़्यादा खेती बाड़ी से रूटेड हूँ, तो इसलिए शायद मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ये सारा चीज़। तो होप आपको भी घूम के मज़ा आया होगा।
चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।